Hello everyone, welcome to Fun with Math. Today we start a new chapter, that is a light reflection and refraction. जो भी अपन जर्नल साइंस डिस्कस कर रहे हैं वो फॉर ETT सेकेंड पेपर एंड वार्ड अटेंडेंट पेपर दे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप अपना चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। जो अज आप चैप्टर करेंगे वह है लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टार्ट कर दिए क्लास। फस्ट है जो लाइट की होंगी है, लेट अस अज्यूम तुसी एक रूम दे विच हो, रूम दे विच जिन्ने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं लाइक टेबल इज दे अराउंड चेयर्स ने और एक इतने लैंप लगा हुआ है जैसे ट्यूबलाइट है या बल्ब है। ठीक, तुसी रूम दे विच हो और लाइट्स ने जो जिन्ने भी ऑब्जेक्ट्स रूम दे विच पए हैं उन्होंने तुसी विजिबल करते हो, उन्होंने तुसी देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि तुसी उन्होंने ऑब्जेक्ट्स नू क्यों देख सकते हो। नॉर्मली जो आंसर होएगा होएगा कि विद द हेल्प ऑफ आई, आई दे करके अपना जिन्हें भी रूम के ऑब्जेक्ट्स ने उन्होंने देख सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, आई दे करके आप देख सकते हैं। ठीक, बट एक कंडीशन होर सैटिस्फाई होनी जरूरी है कि आई की हेल्प नाल आप देख सकते हैं, बट उत्थे लाइट प्रेजेंट होनी भी नेसेसरी है। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होएगी तो रूम के किसी भी ऑब्जेक्ट्स आप विजिबल नहीं कर सकते। ठीक, लेट करो यह रूम डार्क है, इस दे विच कोई भी लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो आई थोड़ी सिमिलर वही साइज़ की है। ठीक, तो तुसी डार्क रूम दे विच किसी भी ऑब्जेक्ट्स नू देख नहीं सकते। सो मीनस दैट कि लाइट की हेल्प नाल जिस टाइम आप ट्यूबलाइट ऑन कर देंगे या बल्ब नू ऑन कर देंगे डार्क रूम दे विच, तां तुसी जिन्ने भी ऑब्जेक्ट्स पए ने रूम दे विच उसनू तुसी देख सकते हो। सो इट मीनस दैट कि लाइट की हेल्प नाल तुसी ऑब्जेक्ट्स नू विजिबल करते हो। समझते हैं जी लाइट की डेफिनेशन। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, दैट इज़ द रीजन ऑफ सेंसिंग ओवर विजन। ठीक है, जिहदी हेल्प नाल तुसी लाइट की हेल्प नाल तुसी ऑब्जेक्ट्स नू विजिबल करते हो। द सिंपल पाथ अडोप्टड बाई लाइट इज कॉल्ड रे। जदों भी आप लाइट नू शो करते हैं किसी भी डायग्राम के थ्रू आप समझते हैं लाइट नू, तो उसनू आप जनरली एक रे की फॉर्म के समझते हैं कि लाइट है जो एक रे की फॉर्म के अपने को आती है। ठीक, A lot of rays are formed by the ray which can be dysphonic and convergent। जो भी rays light तो आउंदियां ने वह इस बार reflect हो जांदियां ने, तो जिहदे करके आप objects नू visible करदे आ। अगे step by step समझांगे आप। नैक्सट है अपने को रिफलैक्शन ऑफ लाइट। रिफलैक्शन ऑफ लाइट तो पहला एक कंडीशन होर समझते हैं कि जो तो भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के उत्ते फॉल होंदी है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंदे ने जिन्हां दी अपनी लाइट होंदी है और कुछ ऑब्जेक्ट्स होंदे ने जिन्हां दी दूसरे दी लाइट दे करके वो विजिबल होंदे ने। ठीक है, तो उन्होंने आप ऑब्जेक्ट्स नू दो कंडीशनस दे विच दो टाइप्स दे विच मंड दिंदे आ। एक होंदा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा होंदा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, सेकंड है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होंगे ने जिन्हें की अपनी लाइट होंगी है, अपनी लाइट नू अमिट करते हैं, जिदा सन है, सन की नैचुरल लाइट है और वह नैचुरली अपनी लाइट नू अमिट करता है। ठीक, तो वह होंगे ने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होंगे ने जिन्हें की अपनी कोई लाइट नहीं होंगी, वो सिर्फ रिफ्लैक्शन के कारण अपने आप नू चमकाते हैं, मीनस अपने आप नू विजिबल करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल ले लें आप अर्थ, अर्थ की अपनी कोई लाइट नहीं है, सन दिया रेज होंदिया ने अर्थ से, जिदे करके आप अर्थ में देख सकते हैं, अर्थ के उत्ते बॉडीज़ में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप उपर जाके आसमान तो अर्थ में देखते हैं तो अर्थ आपको एक ब्लू कलर का प्लैनेट दिसती है। ठीक है, क्योंकि उतों रिफ्लैक्शन हो रही है सन दिया रेज की। सिमिलरली मून है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। ठीक, तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस क्लीयर ने, जिन्हें की अपनी लाइट में जो अमिट करते हैं वह होंगे ने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिन्हों को अपनी कोई लाइट नहीं होंगी वह होंगे ने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिदा वुड है, तुसी बहुत एग्जाम्पल्स ले सकते हो। ठीक, नैक्सट है अपने को रिफलैक्शन ऑफ लाइट। रिफलैक्शन ऑफ लाइट की है, वन अ लाइट रे इंसीडेंट ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस दैन इट अंडरगोज बैक ऑलमोस्ट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, सच इंसीडेंट ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफलैक्शन ऑफ लाइट। रिफलैक्शन ऑफ लाइट की है, लेट करो ये वॉल है, ठीक कंध है,
और तुसी इस दे उपर कोई बॉल नू थ्रो कर रहे हो। ठीक, जो तो तुसी इस बॉल नू थ्रो करोगे तो यह बॉल दे नाल टकरा के एक पॉइंट दे उते स्ट्राइक करके बाउंस बैक होएगी। ठीक, बाउंस बैक होने का मतलब कि उसी डायरेक्शन के वापस आएगी। सिमिलरली लाइट है, जो लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस के उत्ते पॉलिश सरफेस के उत्ते पॉलिश सरफेस इट मीनस दैट कि जो प्लेन सरफेस होए स्मूथ सरफेस होए और एक साइड उसकी पॉलिश होए उस दे उत्ते जो भी कदे लाइट पैंदी है किसी सरफेस उत्ते लाइट टकराती है तो वह उत्थों टकरा के वापस आ जाती है। जो वापस आने की जो क्राइटेरिया है उसनों आप बोलते हैं रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, बैक ऑलमोस्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, जो लाइट है वह टकरा के किसी भी समूथ सरफेस से टकरा के बहुत डायरेक्शन के फैल जाती है। ठीक है जी, उसे ही बोलिया जाता रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है अपने को प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इज अज्यूम्ड टू बी द बेस्ट रिफ्लैक्टर, द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लैक्शन सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। इस तो पहले आप एक चीज़ समझेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम च, जो लाइट है वो किस मीडियम दे विच ट्रैवल करती है, किस मीडियम दे विच प्रोपागेट करती है। तो लाइट ऑलवेज प्रोपागेट या ट्रैवल प्रोपागेट इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन दे विच मूव करती है। ठीक है जी, इस तो आप प्लेन मिरर के बारे समझते हैं। जो प्लेन मिरर है उसनू आपां एक साइड तो पेंट करते होंगे। ठीक है जी, उसनू सिल्वर पेंट किया जाता गा। ठीक है, जो मिरर है उसनू एक साइड तो आपां पेंट करते हैं, जो साइंस दे विच आपां शो करते हैं प्लेन मिरर नू इस तरह करते हैं। प्लेन मिरर इज़ अज्यूम्ड टू बी बेस्ट रिफ्लैक्टर, कि जो प्लेन मिरर के उत्ते जिन्नी भी लाइट इंसीडेंट होंगी है, जिन्नी भी लाइट पैंती है उन्नी ही वह बैक कर देता, रिफ्लैक्ट कर देता। ठीक है जी, उन्नी ही वह रिफ्लैक्ट कर देता। ठीक है, वो वेस्ट रिफ्लैक्टर है प्लेन मिरर। द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लैक्शन सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। जो इतों आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं प्लेन मिरर तो उसनों की बोलिया जाता नॉर्मल रई, नॉर्मल रई। क्लीयर है जी। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द इंसीडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसीडेंस, एंड बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लैक्टर रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। इसनों आप डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट इट इज़ अ प्लेन मिरर। ठीक, जो कोई भी लाइट आके एक सरफेस के उत्ते टकराती है, जो आ रही है लाइट इसनू बोलिया जाता इंसीडेंट रे, इंसीडेंट रे। और जो ये टक्कर स्ट्राइक करके प्लेन मिरर तो बैक होएगी, बाउंस बैक होएगी, तो उसनू बोलिया जाता रिफ्लैक्टेड रे। ठीक है जी, रिफ्लैक्टेड रे। और इतों एक आप जो प्लेन मिरर है उसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसनों अपन नॉर्मल रे बोलते हैं, नॉर्मल रे बोलते हैं। और इस तो बाद जो नॉर्मल रे एंड इंसीडेंट रे दे इन बिटवीन जो यह एंगल बनता है इसनों एंगल ऑफ इंसीडेंस बोला जाता है, इनू आप एंगल आई नाल डिनोट करते हैं। एंड जो एंगल नॉर्मल रे एंड रिफ्लैक्टेड रे दे इन बिटवीन बनता है दिस वन एंगल, इसनों आप बोलते हैं रिफ्लैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। इसनों आप आर नाल शो करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है जी, क्लीयर है। नेक्स्ट है अपने को टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन, रिफ्लैक्शन दे लॉज की ने। ठीक, दिस वन इज़ इंसीडेंट रे, जो आ रही है, जो बाउंस बैक हो रही है उसनों आप बोलते हैं रिफ्लैक्टेड रे। जो आपां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हाँ प्लेन मिरर दे उसनों नॉर्मल रे बोलिया जाता है। जो एंगल इंसीडेंस रे एंड नॉर्मल रे दे इन बिटवीन बनता है उसनों आप एंगल ऑफ इंसीडेंस बोलते हैं। एंड जो नॉर्मल रे एंड रिफ्लैक्टेड रे दे इन बिटवीन एंगल बनता है उसनों आप एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन बोलते हैं। एंड प्लस जो दिस पॉइंट है जिथे इंसीडेंट एंड रिफ्लैक्टेड रे स्ट्राइक होंगे ने उस पॉइंट नूं बोलिया जाता पॉइंट ऑफ इंसीडेंस। क्लीयर है जी। फस्ट लॉ की है, इंसीडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्लैक्टेड रे
ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कि जो इंसीडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल रे है, यह तीनों ही एक प्लेन दे विच लाई करदियां ने, सेम प्लेन दे विच लाई करदियां ने। मीन्स दैट देखो जो यह एयर वाला मीडियम है, तीनों रेज इस दे विच ही लाई कर रही ने। सो फस्ट लॉ की है कि जो इंसीडेंट रे है, नॉर्मल रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों ही वह सेम प्लेन दे विच लाई करदियां ने। ठीक है जी, सेम प्लेस नहीं आएगा, सेम प्लेन आएगा। ठीक, सेकेंड वन है, जो सेकेंड लॉ है वो की कहता है, द एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है ओहो, एंगल ऑफ इंसीडेंस है वो एंगल ऑफ आर दे ऑलवेज इक्वल होंगे। ठीक है जी, एंगल ऑफ इंसीडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों लॉज क्लियर ने। नेक्स्ट है अपने को ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट की होंगे एंड इमेज की होंगी है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, कोई भी, ठीक है, एनीथिंग जो थानू लाइट रेज देवे, ठीक है, रिफ्लैक्ट करे, इज नोन एज ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट बोलिया जाता। एग्जाम्पल बल्ब है, कैंडल और फेस और ट्री। ठीक है, जिस तो थानू लाइट रेज मिल रही ने, ठीक है, उन्होंने बोला जाता ऑब्जेक्ट। एंड इमेज की है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपेयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और लेंस। इमेज की है, जो तो कोई भी लाइट फॉल होंगी है किसी मिरर के उत्ते एंड वो रिफ्लैक्ट होके ऑल डायरेक्शन के विच रिफ्लैक्ट होके तो हमें एक अपेयरेंस दिसदी है, सिमिलर उसनू बोलिया जाता है इमेज। क्लियर है जी। नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज के टू टाइप्स ने, एक होंगी रियल इमेज एंड सेकेंड वन होंगी वर्चुअल इमेज। ठीक है जी, एक होंगी रियल इमेज, सेकेंड वन है वर्चुअल इमेज। पहले रियल इमेज नू डिस्कस करते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज की है, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जिस इमेज नू आपां स्क्रीन के उत्ते ऑबटेन कर सकते हो, उसनू बोला जाता रियल इमेज। लाइक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिदा सिनेमा हॉल है, उसके उपर तुसी कोई भी मूवी देखते हो, ठीक है, एक्टर्स नू देखते हो, एक्ट्रेस नू देखते हो, तो सामने तो उस तो प्रोजेक्टर तो लाइट उसके उत्ते फॉल की जाती है एंड स्क्रीन के उत्ते तुसी सिमिलरली उदा ही मूविंग नू ऑब्जेक्ट्स नू एक्ट्रेस नू एक्टर्स नू देखते हो, सीन्स नू देखते हो। ठीक है, सो रियल इमेज की है, उतों सामने तो लाइट नू प्रोजेक्ट किया जाता, सिमिलरली तुसी उसनू एक स्क्रीन पर देखते हो। ठीक है, उसनू बोला जाता रियल इमेज, जिसनू तुसी स्क्रीन के उत्ते ऑबटेन कर सकते हो, जिसनू स्क्रीन के उत्ते तुसी स्टोर करके रख सकते हो, उदा दी इमेज नू बोला जाता रियल इमेज। ठीक, सैकेंड वन है अपने को वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो होंगी है जिसनों तुसी स्क्रीन के उपर ऑबटेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल तुसी सुबह सुबह उठ के अपना फेस देखते हो मिरर दे विच, ठीक है, उसनों तुसी स्टोर करके नहीं रख सकते, उसनों तुसी की करते हो, जिन्ना टाइम तुसी ऑबजेक्ट हो, जो ऑबजेक्ट है वह प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, उन्ने टाइम ही तुसी उस इमेज नू देख सकते हो। ठीक, उन्ना टाइम ही तुसी अपनी इमेज नू उस दे विच देख सकते हो। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज, जिसनों तुसी स्क्रीन के उत्ते ऑबटेन नहीं कर सकते, तुसी उसनू कलैक्ट करके स्टोर करके नहीं रख सकते, इदां दी इमेजेस नू बोलिया जांदा वर्चुअल इमेज। द इमेज कैन नॉट बी ऑबटेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिस इमेज नू आपां स्क्रीन ते ऑबटेन नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इदां दी इमेजेस नू आपां वर्चुअल इमेज बोलते हैं। एग्जाम्पल आपां अपना फेस देखते हैं मिरर दे विच, उसनू आपां स्टोर करके जां कैप्चर करके नहीं रख सकते, एज इट इज़ उन्ना टाइम ही आपां नू विजिबल होएगा जिन्ना टाइम आपां मिरर दे अगे खड़े हैं। क्लीयर। नेक्स्ट है अपने कोल मिरर। वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मिरर इन द साइंस लैंग्वेज। मिरर इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक ग्लास। मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस होंदा लाइक जिदा ग्लास है, विच रिफ्लैक्ट ऑलमोस्ट ऑल लाइट इंसीडेंट, जो सब सारी लाइट नू ही रिफ्लैक्ट कर दिंदा जिन्नी उस दे उत्ते फॉल हो रही है। समझते हैं, यह मिरर है जिसनू एक साइड तो पॉलिश किया जाता, पेंट किया जाता, जिनी भी इस देते लाइट फॉल होएगी उन्नी ही लाइट नू यह की करेगा, बैक करेगा, रिफ्लैक्ट करेगा। इज इट क्लीयर। नेक्स्ट है, जो टाइप्स हैं मिरर दियाँ, मिरर टू टाइप्स का होंगे, एक होंगे प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो अपना
होम से विच आप यूज़ करते हैं दैट इज़ अ प्लेन मिरर जिथों तुसी अपना फेस वगैरह फेस देखते हो और उन्नी ही लाइट तुहानू वो बैक करके दिंदा। सिमिलरली लाइक जिदा तुसी देखते हो कि तुसी रैड शर्ट पाई हुई है तो तुसी मिरर दे विच भी रैड शर्ट ही तुहानू दिसूगी। ठीक है, कुछ इस दी प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने कि तुहानू इमेज किस किस तरह की दिसेगी प्लेन मिरर जिन्हों आप अगे डिस्कस करांगे। ठीक है, सैकेंड वन है अपने को स्फेरिकल मिरर। लाइक जिदा एक स्फीयर है उसनों आप सेंटर दे विचों कट दें। ठीक है, होलो स्फीयर है तो उसके टू पार्ट्स बन जाते हैं, एक दिस टाइप एक एंड इस टाइप का। ठीक है, जो ए है इसका अगर आप इनर पार्ट नूं पेंट कर दें तो यह बन जाता कनवेक्स मिरर, और इसते अगर आप अपर पार्ट नूं पेंट कर दें तो इसनों बोलिया जाता कनकेव मिरर। ठीक है जी, कनकेव मिरर, और जिसका आप इनर पार्ट पॉलिश कर दें पेंट कर दें उसको बोला जाता कॉनवेक्स मिरर। ठीक, इन जो अगे इमेजेस कर बनाने दी जो प्रोसीजर हो नेक्स्ट क्लास के डिस्कस करांगे। ठीक है जी, हाँ जी, जो भी आप किसी स्फीयर नू देखते हैं तो स्फीयर के टू फेसिस बनते हैं, इसका आप एक पेंट कर दें जो सेंटर जितों आप स्फीयर नू कटते हैं उसनू बोला जाता सेंटर ऑफ क्रिवेचर। ठीक है, एंड जिस जितों हाफ होंदी है वह उसनू बोला जाता प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, जिसनू आप अगे नाल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करांगे। हाँ जी, नेक्स्ट है अपने को प्लेन मिरर। One surface of the mirror is placed and another surface has a sharp metallic polish which is plastered. This is done to avoid the polish decay. ठीक है, जदों आपां प्लेन मिरर की गल करते हैं तो उसका एक पार्ट होंदा है जो रिफ्लैक्टर होंदा एंड सैकेंड वन आपां पेंट कर देने हैं। ठीक, द बैक साइड ऑफ द मिरर विद सिल्वर और मरकरी लेयर्स वर्क्स एज अ रिफ्लैक्टर सरफेस। जो प्लेन मिरर का वन सरफेस हों जो रिफ्लैक्टर हों उ सिल्वर या मरकरी लेयर्स पॉलिश की जाए। ठीक है, ताकि वह बेस्ट रिफ्लैक्शन दे सके। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट है वह उन्ने ही डिस्टेंस से बनती है जो लाइक जिदा प्लेन मिरर के अपनी इमेज देख रहे हैं तो जिन्नी डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट खड़ा देख रहा है उन्ने ही ऑब्जेक्ट ते उसकी इमेज मिरर दे विच दिखेगी। ठीक है, अगर वह नियर है तो इमेज भी नियर होएगी, अगर वह डिस्टेंस से खड़ा है मिरर तो इमेज भी डिस्टेंस से ही बनेगी। ठीक है, वह एक्चुअल जो प्लेन मिरर है वह एक्चुअल इमेज दिखाता है। जो द ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस, तुसी जिन्ने डिस्टेंस तो इमेज नू देखोगे उन्ने डिस्टेंस तो ही तुहानू इमेज दिसेगी जिन्ने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। इन अ प्लेन मिरर, इन अ प्लेन मिरर, प्लेन है इत्थे, द फॉर्म्ड इमेज इज ऑलवेज इमेजनरी एंड इट इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट लिटरली इनवर्टेड। मीन्स दैट कि जो मिरर के इमेज देखते हो प्लेन मिरर के ऑलवेज इमेजनरी होंगी है, जिन्ना टाइम तुम विद स्टैंड हो उसके सामने खड़े हो उन्ना टाइम ही थोनों वो इमेज थोड़ी दिखेगी, अदरवाइज जो तुम साइड हो जाओगे मिरर तो थोड़ू अपनी इमेज उत्थे नहीं दिखेगी। ठीक है, एंड इज़ इक्वल टू द साइज, सो इमेज की बनती है इमेजनरी बनती है, इक्वल टू द साइज़, जिन्ना थोड़ा साइज़ है तो जिन्ना थोड़ा फेस का साइज़ है थोड़ी आइज़ ने वो एग्जैक्ट इमेज ही थोड़ी बनेगी उन्ने ही साइज़ की बनेगी। ठीक है, द ऑब्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट लिटरली इनवर्टड, लिटरली इनवर्टड का मतलब है अगर तुम प्लेन मिरर दे विच इमेज देख रहे हो और ऑब्जेक्ट का जो हैंड है लाइक तुम अपना हाई लैफ्ट हैंड रेज किया है तो थानू इमेज दे विच राइट हैंड अप होया दिखेगा। ठीक है, सो लिटरली इनवर्टेड दिसदा है तो हमनू लिटरली उल्टा दिसदा है। ठीक है, अगर तुसी अपने लेफ्ट आई नू टच कर रहे हो तो तुहानू इमेज दे विच राइट आई नू टच करते हुए इमेज मिलेगी, सो इसनू बोलिया जाता लिटरली इनवर्टेड।
नेक्स्ट है अपने को टॉपिक इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर तो इमेजेस कितना दिया बनती ने। द इमेज फॉर्मड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ऑलवेज जो प्लेन मिरर दे विच इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब की है कि वह कुछ टाइम लिए ही तो इमेज मिलती है जिन्ना टाइम ऑब्जेक्ट उसके सामने प्लेस्ड है, ठीक है, उसनों तुसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। द इमेज फॉर्मड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। ऑलवेज जो प्लेन मिरर दे विच इमेज बनती है इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मीनस अगर तुसी सीधे खड़े होंगे तो तुहानूं प्लेन मिरर दे विच जो इमेज दिखेगी वह भी सीधे खड़े ही तुसी दिखोगे, ठीक है। अगर तुसी रेड टी शर्ट पाई है तो रेड टी शर्ट ही तुहानूं सामने दिखाई देगी। मीनस जो प्लेन मिरर दे विच इमेज बनती है वह इरेक्ट बनती है। अगर तुसी उल्टे लटके हो तो तुहानूं प्लेन मिरर दे विच अपनी इमेज भी उल्टे लटके वाली ही मिलेगी। क्लीयर है। इट इज़ द सेम साइज अप एज ऑब्जेक्ट। क्या है साइज? जिन्ना थोड़ा साइज है, बॉडी का साइज है, थोड़े हैंड्स का साइज है, थोड़े फीट का साइज है, थोड़े आईज का साइज है, वह जिन्ना ऑब्जेक्ट का साइज है उन्ना ही ऑब्जेक्ट थोनों इमेज दे विच मिलेगा। द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस। द इमेज फॉर्मड बाय द प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर। उन्ने ही डिस्टेंस से इमेज बनती है जिन्नी डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है जी। इक्वल डिस्टेंस से इमेज बनती है। द इमेज फॉर्मड आप इसनों डिस्कस करते हैं कि अगर तुसी प्लेन मिरर तो 7 मीटर बिहाइंड डिस्टेंस से खड़े हो तो इमेज है जो प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर के बिहाइंड भी 7 मीटर ही मिलेगी थोनों। अगर तुसी चल के 5 मीटर अगे आ जाने हो, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस जो 5 मीटर रह गया, ठीक है, तुसी 2 मीटर अगे चल के आ गए तो थोड़ी इमेज भी 2 मीटर अगे चल के आ जाएगी और थोड़ी इमेज का डिस्टेंस भी कितना रह जाएगा 5 मीटर। सो जिन्ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उन्नी ही इमेज का डिस्टेंस होएगा। लास्ट पॉइंट है द इमेज फॉर्मड इन अ प्लेन मिरर इज लिटरली इनवर्टड। जिसनों आप डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि अगर तुसी अपना लेफ्ट हैंड उपर करते हो तो इमेज दे विच राइट हैंड उपर दिसेगा। अगर तुहाडी तुसी राइट आई नू टच करते हो तो इमेज दे विच लेफ्ट आई नू टच करते हुए दिखोगे, ठीक है जी। ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स सी जो इमेज फॉर्मड होंदी है प्लेन मिरर दे विच, लाइक लिटरली इनवर्टड। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिदा लैटर पी है वो इस साइड का लिखे हुआ है, ठीक, और उसनों इमेज दे विच इस तरह का दिख रहा है, ठीक। तो यह कुछ है कि जो लिटरली इनवर्टेड चीज़ा अपन उस दे विच दिख दिया ने। नेक्स्ट वन है प्लेन मिरर्स आर यूज्ड टू सी अवर सेल्वस। आप प्लेन मिरर यूज़ करते हैं अपने आप देखने लिए, अपनी इमेज में देखने लिए। द प्लेन मिरर्स आर ऑन अवर ड्रैसिंग टेबल पर, जो मिरर्स लगे होंगे प्लेन मिरर होंगे ने बाथरूम्स के जो आप यूज़ करते हैं, जो आप होम्स के यूज़ करते हैं मिरर्स, वो अपने प्लेन मिरर्स होंगे ने, ठीक है जी। प्लेन मिरर्स आर फिक्सड ऑन द इन साइड वॉल्स ऑफ द सर्टेन शॉप्स लाइक ज्वैलरी शॉप्स टू मेक दैम लुक बिगर। तो आप कुछ जो प्लेन मिरर्स होंगे ने उन्होंने मतलब शॉप्स वगैरह के फिक्स किए जाते हैं ताकि जो चीज़ा वह उन्ने ही साइज दिखने बिगर दिसन, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेन मिरर्स आर फिटड एट ब्लिंड स्टॉप्स ऑफ सम बिजी रोड्स सो दैट ड्राइवर्स कैन सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द प्रिवेंट इंसीडेंट्स। प्लेन मिररस में अजकल रोड्स के उपर भी फिक्स किया जा रहा ताकि जो जो एक्सीडेंट्स ने उन्हों तो बचा जा सके कि व्हीकल्स उसनों देख सकन किसी भी व्हीकल में आते हुए, ठीक है। प्लेन मिररस आर यूज इन मेकिंग पैरीस्कोप्स। प्लेन मिररस यूज़ किया जाता पैरीस्कोप दे विच। पैरीस्कोप एक फिनोमिना है जिस दे विच टू मिररस 45 डिग्री एंगल दे उत्ते फिक्स किया जाता, लाइक जिदा आप सीज दे विच बॉडीज़ नू देखते हैं, ठीक है, जो भी सी दे अंदर जो बॉडीज़ रहिंदी ने उन्होंने देखने लिए ही यूज़ किया जाता। पैरीस्कोप एक डिवाइस है, ठीक है, जिदे विच प्लेन मिररस नू दो प्लेन मिररस नू 45 डिग्री एंगल दे उत्ते प्लेस किया जाता, ठीक है जी। नेक्स्ट है अपना स्फेरिकल मिरर, जिसनों आप नेक्स्ट क्लास के डिस्कस करांगे। हाँ जी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करो। नेक्स्ट क्लास के स्फेरिकल मिरर डिस्कस करांगे एंड कुछ इस तरह इमेजेस डिस्कस करांगे कि अगर ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस से रखा जाता तो उसकी इमेज कितने डिस्टेंस से बनेगी, और कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर के कुछ डिफरेंसिस क्लीयर करांगे। हाँ जी, क्लास में लाइक एंड शेयर जरूर करो। थैंक्स।